अमरपुर थाना क्षेत्र के बलियाखेरा मोड़ के समीप 13 लीटर देशी शराब जब्त। टीम का नेतृत्व कर रहे उपेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बलिया से खेरा मोड़ इधर एक बाइक चालक देशी शराब लेकर आ रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर हम पूरी टीम आलोक कुमार यादव, विकास कुमार, जितेंद्र कुमार के साथ पहुंचे तो एक बाइक चालक थैला फेंक कर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। थैला को देखा गया तो 13 पन्नी में 1 लीटर करके प्रत्येक पन्नी में देशी शराब था। पता करने पर पता चला कि छोटू चौधरी उर्फ सिंटू चौधरी ग्राम कस्बा शंभुगंज का रहने वाला है। शराब अधिनियम के तहत प्राथमिकी अमरपुर थाने में दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न कांडों में नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अमरपुर थाना क्षेत्र में विभिन्न कांडों में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर कोविड टेस्ट अमरपुर रेफरल अस्पताल में कराया गया। अमरपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली ने गुंजन कुमार ग्राम मादाचक, रोहित कुमार ग्राम सिमरपुर को बालू कांड में गिरफ्तार किया गया है और एक महिला चौकीदार के साथ मारपीट के आरोपित है जिसको गिरफ्तार किया गया है। सीला गैस एजेंसी की तरफ से ग्राहक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मौके पर पहुंचे सभी ग्राहक को बुके और चादर देकर सम्मानित किया गया। सीला इंडियन गैस एजेंसी की प्रोप्राइटर संजय शाह ने बताया कि लगातार ग्राहक से मिलजुल कर हम लोग ग्राहक सम्मान समारोह का आयोजन किए जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ज्यादा ग्राहक को नहीं बुलाया गया था। जो भी ग्राहक आए उन सभी ग्राहक को बुके देकर सम्मानित किया गया ताकि एजेंसी को 18 साल के बाद भी लगातार सेवा के बाद हम ग्राहक के साथ प्रेम बनाए रख सके और ग्राहक को किसी भी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। पिछले दो साल से ग्राहक दिवस मनाया जा रहा है। पिछली बार भी हम लोग ये ग्राहक को, बुजुर्ग ग्राहक को मतलब मातृशक्ति इसमें से चुन करके हम लोग दे रहे हैं और ये कार्यक्रम अनवरत आगे भी जारी रहेगा। ये एक तरह से ग्राहक को इसलिए दिया जा रहा है उनको भी लगे कि मेरा भी सम्मान गैस एजेंसी कर रहा है। पहले क्या होता था, लगातार ग्राहक को शिकायत रहता था कि गैस एजेंसी में या उसके स्टाफ अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं। ये उस चीज़ को भुलाने के लिए नहीं, अब बहुत सारा बदलाव हुआ है जिसमें ये भी बदलाव है जो ग्राहक के साथ हम लोग अच्छा से बातचीत करते हैं और उनके घर पे जाके उनके सुख दुख का बात भी करते हैं। कल हम लोगों ने कम से कम 50 घर में जा कर के ग्राहक से सुख सुविधा ये सब के बारे में पूछा। घर में ऐसे क्या है कि वेंडर लोग जाते हैं, वो लोग कैसा व्यवहार करता है ये तुमने कल से, हम लोग अब कंटिन्यू उनके घर पे जा करके उनका बातचीत समझते हैं। अब उनका जो नया सुझाव होता है उसके बारे में भी सोच रहे हैं और लगातार 19 साल मैं गैस एजेंसी के द्वारा ग्राहक का सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता हूँ। मैं सीला इंडियन एजेंसी का प्रोप्राइटर हूँ, मेरी धर्मपत्नी रीता साहब। धान के पूंज और गोहाल में लगी आग। मौसी प्रखंड के चेतावरण गांव के प्रमोद यादव के धान पूंज में अचानक 2 बजे के आसपास आग लग गई जिसे गोहाल के चपेट में आने से 2 बकरियां व साइकिल भी जलकर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों ने पंप सेट से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्रमोद यादव ने बताया कि लगभग 1 लाख की नुकसान हुई है। एक तरफ कोरोना के बढ़ते खतरे को देख ऐसे ही हम सब सहमे हुए हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटना से हर्षप्रद है। यूं कहे कि पूरे परिवार में कोहरा मच। वही समाज सेवियों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन ने कहा कि आपदा राहत प्रबंधन के द्वारा उचित अनुदान राशि दिलाने हेतु प्रयास किया जाएगा। रजौन प्रखंड के कटचातर लीलात्री पंचायत मुख्य ग्रामीण सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है और हद तो तब हो जाती है जब हम पंचायत के वार्ड नंबर 14 स्थित भूसिया गाँव में पहुँचते हैं। वहाँ पर जनप्रतिनिधियों की पोल खुल जाती है। वहाँ पर सड़क किनारे बसे लोग दयनीय जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। घर से निकलते हैं, एक तरफ जहाँ सरकार गली नाली योजना लेकर आई, वहीं इस वार्ड में अभी तक इस योजना से कोसों दूर है। इसी कारणवश नाली नहीं होने के कारण लोग घुटना भर कीचड़ में घुसकर पार होना होता है। यह हाल रजौन प्रखंड मुख्यालय से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर बसे वार्ड का है। वहाँ के ग्रामीणों ने जीते हुए जनप्रतिनिधियों तथा रजौन प्रशासन पर भी आक्रोश जताया। साफ जाहिर होता है कि सरकारी योजना सिर्फ कागजों पर ही रह जाती है।
पेड़ की कटाई जोरों पर, लेकिन प्रशासन है मौन। ताजा मामला रजौन प्रखंड की कटचातर लीलात्री पंचायत अंतर्गत कतरिया नदी से अवैध रूप से बालू उत्खनन किया जाता है, जो कि वन विभाग द्वारा लगाए गए काफी पेड़ों को काटने का भी काम किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर वन विभाग के द्वारा नदी के किनारे पेड़ लगाए गए थे, जो कि वृक्ष माफिया के द्वारा कटाई की जा रही है और प्रशासन मौन रहकर तमाशा देख रहे हैं, जिसके कारण वृक्ष माफिया वृक्ष की कटाई बेधड़क कर रही है। एक तरफ सरकार जहां पर्यावरण संरक्षण के लिए योजना बना रही है, वहीं दूसरी ओर वृक्ष माफिया के द्वारा वृक्ष की कटाई करना कितना उचित है, जिस पर मौजूद ग्रामीणों ने आक्रोश भी जताई है। बांका जिले में कोरोना की तीसरी लहर आने के दौरान बांका जिला प्रशासन अलर्ट कर दी गई है। रोड पर मास्क चेकिंग बढ़ा दी गई है। वहीं प्रखंड के सभी पदाधिकारियों को इसके प्रति जागरूक करने की बात कही है। प्रखंड क्षेत्र के भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर पैदल एवं ऑटोरिक्शा बाइक कार से चलने वाले राही को प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकुमार पंडे, थाना प्रभारी बुद्धदेव पासवान एवं रजौन सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के द्वारा अपने दलबल के साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। बांका की पूर्व सांसद शकुंतला देवी का निधन। मुंगेर जिला के शकरामपुर की बेटी और बांका के पूर्व सांसद शकुंतला देवी का निधन शनिवार की देर रात उनके पटना के कंकड़बाग स्थित आवास में हो गई। वे 92 वर्ष की थी। वे अपने पीछे तीन पुत्र और एक पुत्री से भरा पूरा परिवार छोड़ गई। उनकी शादी नवादा जिले के तत्कालीन डीएसपी यशवंत प्रसाद सिंह के साथ हुई थी। जानकारी के अनुसार शकुंतला देवी का जन्म शकरामपुर में हुई थी। उनके पिता देवी प्रसाद सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्हें एकमात्र पुत्री शकुंतला थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सकरामपुर में हुई थी। बाद में वे भागलपुर में पटना में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। पिता के इच्छा के अनुसार वे राजनीतिक में कदम रखी। वर्ष 1957 में वे कांग्रेस के टिकट पर बांका लोकसभा से पहली बार निर्वाचित हुई थी और लगातार दो बार सांसद चुनी गई। 1962 से 1967 ईस्वी तक दूसरी बार सांसद रही। 1972 से 1977 तक वे बेलहर विधानसभा से प्रतिनिधित्व करती रही। उनके निधन की खबर सुनकर संग्रामपुर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। इनके निधन पर पूर्व प्रमुख प्रमोद कुमार सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष कमल नयन सिंह, विनोद रजक, विनय कुमार सिंह, पूर्व मुखिया शंभु भगत राजन, प्रमोद भगत, राकेश कुमार रोशन उर्फ बमबम, जय कुमार सिंह, अनिल भारती आदि ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीरपैंती प्रखंड के पंचायत बंधु जयराम के बूथ संख्या 228 और 29 पर राजद चला बूथ की ओर कार्यक्रम तहत पहुंचे राजद अध्यक्ष भागलपुर चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामविलास पासवान जी, पीरपैंती प्रखंड अध्यक्ष रंजीत साह, युवा राजद अध्यक्ष मुकेश कुमार यादव, प्रधान महासचिव विश्वजीत कुशवाहा, फारूक शाह, पूर्व अध्यक्ष रमेश रमन, युवा राजद नेता जानेसार असलम, सोनू खान, राम कुमार, मोहम्मद सज्जाद, चांद अली, ओम प्रकाश पंडित, पूर्व मुखिया चमकलाल दास, एमडी मोहम्मद जिल आलम, इरफान बशीर, मोहम्मद फिरोज, अजय कुमार, बूथ पर जाकर राज्य सरकार के विफलताओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई एवं किसानों के मुद्दे को लेकर बंधु जयराम पंचायत के बीच पहुंचे। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने सड़क पर उतरे वीडियो तथा सीओ। भागलपुर सुल्तानगंज थाना चौक पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए अंचलाधिकारी शंभु शरण राय तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने दो पहिए व चार पहिए वाहन तथा पैदल चल रहे लोगों को सरकार के गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देश देते हुए लगभग 70 लोगों का मास्क चेकिंग अभियान के दौरान फाइन काटा गया। फाइन नहीं देने वाले को उठक बैठक कराया गया तथा मास्क लगाकर चलने का निर्देश दिया गया। वही अंचलाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा यह लोगों से अपील किया गया कि सभी लोग सरकार के गाइडलाइन का पालन करें। कोई भी सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसआई अनिल कुमार, एसआई संजय तिवारी तथा स्थानीय थाना के जवान मौजूद थे। उनके मामले बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, इसलिए सरकार ने निर्देश मास्क पालन कर रहे हैं और दूसरों को भी जागरूक करें, मास्क अभियान चलाया गया ताकि लोगों में जागरूकता है। उसका काम ये नहीं कि दंडित करना है, लेकिन फिर भी चेक करते हुए ये देना है कि संदेश कि सभी लोग मास्क पहने और डिस्टेंस अपना बनाए। सुल्तानगंज थाना परिसर में लगा जनता दरबार। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में जमीन विवाद को लेकर अंचलाधिकारी शंभु शरण राय के नेतृत्व में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें 10 नए केस लिया गया तथा 2 केस का निष्पादन किया गया। वहीं कमरगंज पंचायत के जहांगीरा गांव में दबंगई का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि भूवेश कुमार मंडल की पत्नी प्रीति कुमारी द्वारा लगभग 11 साल से 10 वार्ड नंबर के कमरगंज पंचायत में गली को लेकर
दबंगई का मामला लगभग 11 वर्षों से चल रही है। वहीं नरेश प्रसाद शाह द्वारा बताया जा रहा है कि प्रीति कुमारी 10 साल पूर्व पौने कट्ठा जमीन रोड किनारे ली है। उसी दौरान वह दावा कर रही है कि यह रास्ता उसका निज है, लेकिन वर्षों से इस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं, जिसमें बिजली विभाग द्वारा सभी घरों में बिजली तथा जल नल योजना का पाइप भी बिछाया गया है, लेकिन प्रीति कुमारी द्वारा दबंगई करते हुए यह गली नहीं बनाने दिया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय थाना सुल्तानगंज में लगे जनता दरबार में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पता करके दे रहा है, इसी के लिए विवाद चल रहा है। कौन दे रहा है चाचा? रमेश कुमार मंगल की पत्नी प्रीति कुमारी। अच्छा, कितने दिन से ये मामला चल रहा है? ये मामला 12 साल से चल रहा है। तो आज क्या है, ये आवेदन आप जनता दरबार में देने आए हैं? जनता दरबार में दे रहे हैं। ये कहाँ का मामला है? ये जहांगीरा सुल्तानगंज प्रखंड का जहांगीरा गांव का है। क्या नाम हुआ? वार्ड 10 से। कितने दिन से ये मामला लंबित है? 11 साल से लंबित है। 11 साल से ये चल रहा है? हाँ, वाद विवाद दोनों में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नरेश प्रसाद का। सरैया हाट दुमका हसडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दुमका भागलपुर रेलवे मार्ग पर हसडिया स्टेशन के समीप एक युवक रविवार को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया, जिसे हसडिया पुलिस की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट पहुंचाया गया। समाचार लिखे जाने तक घायल युवक की पहचान नहीं हो पाई थी एवं घटना के कारणों का भी पता नहीं चल पाया था। घटना के बाद हसडिया पुलिस मामले की जाँच पड़ताल करने जुट गई है। जसीडी से दुमका होते हुए रामपुर हाट जाने वाली लोकल ट्रेन की अगली बोगी में इंजन बदली के दौरान उसी ट्रेन की इंजन ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतना जोरदार था कि आगे बोगी के कुछ यात्री बुरी तरह जख्मी हो गए। लोको पायलट का कहना था कि समय पर ब्रेक नहीं लगाने के कारण ये हादसा हुआ। मौके पर पुलिस और रेल प्रशासन पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।